फिल्म क्लास नंबर 14 को कवर करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर के देख सकते हैं, और इस वीडियो को जो लोग यूट्यूब पर देखेंगे, क्योंकि आज और कल दोनों की वीडियो हैं वो यूट्यूब पर पढ़ने वाली हैं, तो वो लोग भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको अंत में बता देंगे या फिर नीचे हमारा नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम से कब जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, कितनी फीस देनी पड़ेगी, सब कुछ ए टू जेड। क्योंकि यहाँ पर नया बैच है वो परसों से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, हिस्ट्री से एकदम बेसिक से आप लोगों का स्टार्ट किया जाएगा इस वजह से। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, लेक्चर नंबर 13 में हम आपको एनर्जी के बारे में पढ़ा रहे थे, ऊर्जा के बारे में पढ़ा रहे थे, सॉरी ऊर्जा नहीं, उद्योग के बारे में पढ़ा रहे थे। हमारा एनर्जी और ट्रांसपोर्ट है वो कवर हो चुका है। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी। तो इंडस्ट्री में हम लोग देख लेते हैं एक बार हमारे यहाँ बाधाएं क्या हैं। हम लोगों ने संभावनाओं के बारे में बात किया, उद्योग प्रकार के बारे में बात किया, सभी चीजों के बारे में हम सविस्तार में बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 13 में। लेक्चर नंबर 14 में हम बाधाओं के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग आएंगे भारत के, जो भारत का भूगर्भिक इतिहास है उसको देखेंगे, और फिर उससे समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के भारत में संसाधन पाए जाते हैं, उसकी संरचना का विकास कैसे हुआ है। तो इंटीग्रेटेड स्टडी आप लोगों को कराई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सिप्रा पटेल है वो आ गए हैं। ओके, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लब में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग डालने, देखिए आज का लेक्चर काफी बड़ा है और कल हमको पूरा इंडियन ज्योग्राफी फिनिश करना है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट हम लोग इसको कवर करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे भारत के औद्योगिक विकास में, भारत में जो औद्योगिक विकास है उसमें क्या क्या बाधाएं हैं। थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, कुछ ज्यादा ही पता है। भारत में या भारत के औद्योगिक विकास में, औद्योगिक विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं। ओके, तो बाधाओं की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि औद्योगिक विकास के बिना हम भारत की विकास के बारे में नहीं सोच सकते। अगर हम सामाजिक आर्थिक हम समानता लाना चाहते हैं, अगर हम सामाजिक समानता समाज में लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें औद्योगिक विकास करना होगा, क्योंकि औद्योगिक विकास है वो सभी लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, तो आय की समानता है वो उत्पन्न होती है। अगर आय की समानता आती है, लोगों के पास पैसा आता है, तो उस पैसे को वो अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो सामाजिक समानता है वो भी बढ़ती है। ओके, तो आर्थिक असमानता को कम करने और सामाजिक समानता को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार हो सकता है। और हम देश को अगर सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो हमें औद्योगिक विकास करना ही करना पड़ेगा। और भारत है वो अपने क्षेत्र में स्ट्रांग रहना चाहता है, अपने पड़ोसियों से सुरक्षित रहना चाहता है, तो उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो देखिए, लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं हमारे देश के औद्योगिक विकास में बाधाएं कौन कौन सी हैं। उन बाधाओं को अगर आप लोग समझ गए, तो नीतियों को, जब नीतियों को बनाते समय उन चीजों का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें हमारे भारत में जो औद्योगिक विकास है उसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको नंबर एक देखने को मिलेगा कच्चे माल की उपलब्धता की। अगर हम बात करें कच्चे माल की उपलब्धता की, अगर हम लोग बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो खनिज संसाधन है उनके वितरण में आपको बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलेगी। हर जगह खनिज संसाधन नहीं पाए जाते भारत में, तो आपको देखने को मिलेगा खनिज संसाधन के वितरण में स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। ओके, स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहते हैं, जैसे कि धात्विक एवं आधात्विक खनिज। हमें आप बताइए, क्या कोयला है वो भारत में सभी जगह पर समान रूप से देखने को मिलेगा? नहीं। तो भारत के हर क्षेत्र में औद्योगिक विकास करना चैलेंज एक बन जाता है। जैसे अगर आप उत्तर भारत में थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो वहां पर कोयले की उपलब्धता नहीं है, जिस कारण वहां पर कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह से आप लौह इस्पात उद्योग का अगर आप विकास करना चाहते हैं,
कहीं पर जैसे कि गुजरात में करना चाहते हैं तो वहां पर परिवहन लागत बढ़ जाएगी, लेकिन बंदरगाह के साइड भी कर सकते हैं। ओके, तो धात्विक और आधात्विक खनिज हैं, उनका असमान वितरण भारत में पाया जाता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि जो ऊर्जा संसाधन है, जैसे ऊर्जा संसाधन है उसका भी असमान वितरण देखने को मिलेगा, एक एक चैलेंज है हमारे औद्योगिक विकास में। ओके, तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना होगा जब हम औद्योगिक नीतियां बनाते हैं उस समय। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो कृषि से प्राप्त उत्पाद हैं, कृषि से प्राप्त उत्पाद हैं या फिर उत्पादन है, ओके, तो जो कृषि से प्राप्त उत्पादन है वो आज भी हम उस उत्पादन का उपयोग है वो जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। हम अभी इंडस्ट्रियल कृषि की ओर इतना अग्रसर नहीं हुए, हमारे किसान हैं वो आज भी जीवन निर्वाह कृषि है वो करते हैं। क्यों करते हैं वो अभी आप लोगों को समझ में आएगा जब आपको हम भारत का भूगर्भिक इतिहास अभी पढ़ाएंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ में हम अध्ययन कराएंगे, अभी टॉपिक आने वाला है ये हम लोग देख लें तब उसके बाद में। तो देखिए, आज भी जो कृषि से प्राप्त उत्पाद है उसका उपयोग जीवन निर्वाह खेती के लिए किया जाता है, जीवन निर्वाह निर्वहन के लिए किया जाता है। ओके, जिस कारण आप लोग देखेंगे कि औद्योगिक विकास में, क्योंकि देखिए अगर जीवन निर्वाह के लिए किसी उत्पाद का उपयोग किया जाएगा तो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा, अगर रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा तो हम कैसे उद्योग का विकास करेंगे, फैक्ट्री लगा के क्या कर लेंगे जब फैक्ट्री के लिए ही कच्चा माल नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, अपनी औद्योगिक नीतियां बनाते समय किसानों के लिए इस तरह से प्रोत्साहित करना पड़ेगा, ना केवल प्रोत्साहित करना पड़ेगा बल्कि यहाँ पर किसानों के लिए हमें तकनीकी जानकारी भी देनी पड़ेगी, तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करानी होगी जिससे वो कृषि उत्पाद को जीवन निर्वाह के बजाय औद्योगिक यानी कि वाणिज्यिक कृषि की ओर थोड़ा सा अग्रसर हो। अगर वो वाणिज्यिक कृषि की ओर अग्रसर होंगे तो ना केवल हमारा औद्योगिक विकास होगा बल्कि उन जो कृषक हैं उनकी इनकम है वो भी बढ़ेगी, जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो सामाजिक आर्थिक समानता आएगी, आर्थिक समानता आएगी तो सामाजिक समानता का वो कारण बनेगी। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत में देखिए हमारे पास जगह कम है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए हमारे पास में आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव आज देखने को मिलेगा। भारत में आधारभूत संरचना के स्तर पर भी अभाव है, जैसे कि आप देखेंगे परिवहन है, जो परिवहन है उसका भी आज अभाव देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम परिवहन में सड़क की बात करें तो सड़कें हैं उनका उस हिसाब से चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। अगर हम ट्रेन की भी बात करें, रेल मार्ग की बात करें तो रेल मार्ग है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन उस स्तर पर नहीं हो पाया है, और पटरियों का दोहरीकरण है वो उस स्तर पर नहीं होने हो पाया है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जो यात्री ट्रेनें हैं और साथ में मालवाहक ट्रेनें हैं वो एक ही पटरी पर दौड़ती हैं, कभी कभार वो डायरेक्शन की ट्रेनें हैं वो भी एक पटरी पर दौड़ती हैं। तो इसके अभाव के कारण आपको समय तो बढ़ता ही बढ़ता है परिवहन में, साथ में ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है, ईंधन की खपत और समय दोनों अधिक लगने के कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास में एक बड़ी समस्या का कारण बनती है। तो अगर हम औद्योगिक विकास करना चाहते हैं तो हमें परिवहन तंत्र को अपना बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसके अलावा आधारभूत संरचना में आपको देखने को मिलेगा ऊर्जा संकट की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो ऊर्जा संकट की समस्या है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिलेगी। आज हमारे यहाँ अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के कोई भी सेल कंपनी या फिर किसकी स्थापना कर देता है, एक छोटे से सेल की स्थापना कर देता है, तो वो सेल कंपनी वो इकोनॉमिक्स वाली मत समझ लेना जो काले धन को सफेद करने के लिए की जाती है। छोटे स्तर पर अगर बड़े स्तर पर अगर औद्योगिक इकाई की स्थापना कर दी जाती है तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा ना होने के कारण इफिशियंसी है, दक्षता है वो कम हो जाती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम विकास करना चाहते हैं तो वहां पर अगर किसी भी प्रकार का हम उद्योग लगाते हैं तो वहां पर 8 घंटे लाइट ही आती है, 8 घंटे लाइट आती है और शेष जो घंटे बचते हैं 16 घंटे उसमें क्या करते हैं वो अंताक्षरी बैठ करके खेलते हैं, जिससे क्या होती है उत्पादकता गिर जाती है और साथ में हम मशीनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं कर पाते हैं। जो ऊर्जा की कमी ही ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन का एक कारण में से एक आपको देखने को मिलेगा, मुख्य कारणों में से एक कारण
आपको देखने को मिलेगा। तो ऊर्जा संकट की समस्या का समाधान हमें करना होगा जब हम औद्योगिक नीतियां बना रहे होंगे, और आप लोग आईएएस बनेंगे तो आप लोग भी और नीतियां बनाया करेंगे, तो आप लोगों को इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं पॉपकॉर्न खाते वक्त बना लिया, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जल संकट की भी समस्या है। आप लोगों को पता है जब भी हम कोई इंडस्ट्री एक उद्योग लगाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जल है उसकी उपलब्धता की आवश्यकता होती है, लेकिन जल संकट एक समस्या का कारण है। तो जल संकट अगर है तो उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कैसे जल मिल पाएगा, तो हमें इस जल का उपयोग किस प्रकार से करना है, तो हम इस जल का उपयोग करेंगे, फिर हम इसको रिसाइकिल करेंगे, फिर हम इसको रियूज करेंगे, फिर हम इसको रिसाइकिल करेंगे, फिर हम रियूज करेंगे, और साथ में वर्षा जल है उसका हम भंडारण भी करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जल संकट की समस्या का समाधान कर सकते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र में जो जल की बर्बादी है उसको भी हम कम कर सकते हैं, और साथ में जल प्रदूषण की समस्या को भी कम कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार की नीतियां बनानी पड़ेंगी। आज गवर्नमेंट है वो इस ओर काफी तेजी से अग्रसर हो रही है। जो औद्योगिक अपशिष्ट निकल के आता है जल के माध्यम से, उसको रिसाइकिल किया जाता है, फिर उसको रीयूज किया जाता है, फिर उसको रिसाइकिल किया जाता है, फिर उसको रीयूज किया जाता है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास जगह नहीं है, इसीलिए हम इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। आधारभूत संरचना के बाद और बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे औद्योगिक विकास में आपको देखने को मिलेंगी। एक आपको देखने को मिलेगी भूमि की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता। देखिए भूमि की उपलब्धता है वो भी कहीं ना कहीं संकट का कारण, आपको एक समस्या देखने को मिलेगी औद्योगिक विकास में। ऐसा क्यों? भारत में औद्योगिक संकुल के रूप में औद्योगिक विकास हो रहा है। अगर औद्योगिक संकुल बनता है तो वहां पर भूमि की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। अगर भूमि की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण वहां पर भूमि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण वहां पर भूमि लेना कठिन हो जाता है, इस कारण औद्योगिक विकास में एक बाधा का कारण भी बनता है। भूमि की उपलब्धता में आपको देखने को मिलेगा औद्योगिक संकुल एक प्रमुख कारण है। औद्योगिक संकुल, संकुल का क्या मतलब है कि देखिए बहुत सारे उद्योग हैं उनका विकेंद्रीकरण नहीं हो पाता है एक ही जगह पर। जैसे ग्रेटर नोएडा वाले में आप रीजन में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे उद्योग हैं वो आ गए। जैसे जमशेदपुर के इधर आप लोग चले जाइए, छोटा नागपुर पठाना, बहुत सारे उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस कारण मथुरा में आप चले जाएंगे बहुत सारे उद्योग देखने को मिलेंगे, जिस कारण वहां पर भूमि है उसकी कीमतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। भूमि की कीमतें अधिक होने के कारण और भूमि उपलब्ध ना होने के कारण कहां पर इंडस्ट्री लगाएंगे, समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। तो देखिए औद्योगिक संकुल है, औद्योगिक संकुल की समस्या के कारण भूमि की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। भूमि की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, ओके, जो एक समस्या का कारण देखने को मिलेगी। हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, तो हमें उद्योगों का विकेंद्रीकरण करना होगा। विकेंद्रीकरण कैसे करना होगा, विकेंद्रीकरण करने के लिए हमें अन्य जगह आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। जैसे वहां पर औद्योगिक संकुल है, वहां पर क्या है, जल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, ऊर्जा है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वहां पर मिलती है, इसीलिए तो वो जाकर के वहां पर उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं। अगर यही सुविधाएं अगर हम अन्य क्षेत्रों में प्रदान करते हैं जहां पर भूमि की उपलब्धता है, तो वहां पर लोग जाकर के उद्योगों की स्थापना करने लगेंगे। तो भूमि की उपलब्धता का समाधान कैसे किया जा सकता है, हम आधारभूत सुविधाओं को अन्य जगह भी उपलब्ध कराएं, ओके। तो ये इसका समाधान ये हो सकता है, तो इसके इस क्षेत्र में हमें कदम उठाना होगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा श्रमिकों की उपलब्धता, श्रमिकों की उपलब्धता को लेकर एक बड़ी समस्या देखने को मिलेगी, जो औद्योगिक विकास में बड़ा कारण है। देखिए हमारे यहाँ बेरोजगार लोग बहुत हैं, हमारे यहाँ श्रमिक हैं वो उनकी संख्या तो बहुत है, रोजगार हर कोई पाना चाहता है, लेकिन स्किल्ड हमें रोजगार चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए, हमें स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब ऐसे लोग हों जो स्किल्ड हों, जिनके अंदर कुशलता हो किसी चीज को लेकर के। जैसे हम एलईडी का विकास करना चाहते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो काहिया रंग को उठा करके थोड़ा सा समझ सके कि हाँ ये ट्रांजिस्टर होता है, इसका उपयोग ये होता है।
अब वहां पर देखिए 100 लोग हैं वो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन 100 लोगों में से 2 लोगों को ही मोबाइल बनाना आता है, तो यानी कि 98 लोग जो बचे हुए हैं वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट है। यानी कि श्रमिकों को जो उपलब्ध कराने की बात आती है ये बड़ा कारण बन जाता है औद्योगिक पिछड़ेपन में। तो हमें क्या करना होगा कि इनकी कुशलता को बढ़ाना होगा, यानी कि कुशल श्रमिकों का अभाव देखने को मिलेगा, ये औद्योगिक विकास में एक बड़ा कारण है। तो हमें इस प्रकार की योजनाएं चलानी होंगी कि हम अपने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्किल करें। तो कौशल विकास योजना आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे युवाओं को हम ट्रेंड कर रहे हैं, स्किल कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत पहले से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे आपको GTI देखने को मिलेगा, ITI देखने को मिलेगा। इनके माध्यम से हम इंटर के बाद में या हाई स्कूल के बाद में ही हम अपने युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेंड करते हैं और उन्हें एक स्किल लेबर बनाते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, उनमें हमें और ज्यादा फोकस करना होगा, और ज्यादा उनको बढ़ावा देना होगा, और साथ में उनको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि वर्तमान आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं। तो वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए उनके पाठ्यक्रम में हमें परिवर्तन करना होगा, और पाठ्यक्रम के साथ में हमें फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस करना होगा, जिससे हम इस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा तकनीकी सीमाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो तकनीकी सीमाएं और पूंजीगत अभाव ओके। देखिए पूंजीगत अभाव और तकनीकी अभाव यह भी हमारे औद्योगिक पिछड़ेपन में प्रमुख कारण है। तो तकनीकी सीमाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो हम ऐसे देशों से टाई अप करें जिनके पास में हाई टेक्नोलॉजी है, और हम उनके माध्यम से हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करने का प्रयास करें। हम उनसे सामान निर्यात ना करें, बल्कि उनसे बोले तुम हमें अपनी टेक्नोलॉजी दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं बोले कि आप हमें आकर के हमें आई वॉच दो। हम कहेंगे तुम आओ और हमें सिखाओ कि आई वॉच कैसे बनाई जाती है, हम अपनी हाँ आई वॉच बनाएंगे। तो तकनीकी है, हम क्या कर सकते हैं, हम वस्तुओं का आयात ना करें, बल्कि वस्तुओं की जगह उनकी तकनीकी का आयात करें। जैसे जापान के साथ में, फ्रांस के साथ में, हम रसिया के साथ में, यूएसए के साथ में बहुत सारे टाई अप करके हम बहुत सारी तकनीकी का विकास कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, तो तकनीकी सीमाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम दूसरे देशों से टाई अप करें और अपने देसी जो टेक्नोलॉजी है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। हम वस्तुओं का आयात ना करें, बल्कि उनकी तकनीकी का आयात करें, उस तकनीकी माध्यम से हम अपनी तकनीकी का विकास करें, और हमें इस क्षेत्र में थोड़ी सी निवेश करने की आवश्यकता होगी। और साथ में पूंजी पूंजी जो अभाव है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो हम विदेशी निवेश को बढ़ावा दें। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, साथ में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत सारे संस्थागत स्तर पर हमें क्या करना होगा, ओके। हमें संस्थागत स्तर पर हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारे नियम कानून है उनको थोड़ा सा लिबरल बनाना होगा, ओके। थोड़ा लचीला बनाना होगा। अगर हम अपने नियम कानूनों को थोड़ा लचीला बनाएंगे, टैक्सेशन में थोड़ी सी छूट देंगे, तो निजी निवेशक हैं वो थोड़ी सी हमारी ओर अग्रसर होंगे, साथ में विदेशी निवेशक हैं वो भी निवेश करने के इच्छुक होंगे, तो इस समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे औद्योगिक विकास में एक और बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी, पर्यावरणीय समस्या। देखिए पर्यावरणीय समस्या भी एक प्रमुख कारण है। तो देखिए हम पर्यावरणीय समस्याओं में आपको देखने को मिलेगा, जैसे सबसे प्रमुख कारण आपको देखने को मिलेगा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके समाधान के लिए हमें उच्च तकनीकी का उपयोग करना होगा। तो नीतियां बनाते समय हम क्या करें, हाई टेक्नोलॉजी है इसको अपनाएं, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम यहाँ पर अपनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, और साथ में हम संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करें। देखिए अनुकूलतम उपयोग कैसे कर सकते हैं, हम उनको क्या करें, रिसाइकिल करें, हम उनको रीयूज करें,
और हम अल्टरनेटिव्स में जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम पर्यावरण की जो समस्या है उसका भी समाधान कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे इस तरह से अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप कि बिना किसी बुक को पढ़े, देखिए बिना किसी बुक को पढ़े भी आप बहुत अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकते हैं। देखिए बुक को आप ज्यादा पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं है, मींस की आंसर राइटिंग करते समय आपको अप्रोच पता होना चाहिए किस किस डायमेंशन पे। देखिए इन पर सभी पर आप 50-50 शब्द लिखेंगे तो आपके लगभग में 1000 शब्द हो जाएंगे, लेकिन 1000 शब्द तो आपको लिखने ही नहीं है, लगभग में 200 शब्दों में आपको क्वेश्चन लिखना होता है। पीसीएस में कभी कभार 38 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखना होता है, 300 वर्ड में लगभग में लिखना होता है, तो आराम से 50-50 शब्दों में लिखेंगे ना तब भी इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको सभी डायमेंशन दे दिए, इन डायमेंशन को लिखिए, आप अपना मत दीजिए, निष्कर्ष दीजिए, आपके मार्क्स क्यों नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, बुक्स को उठाते हैं, उसमें पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसमें से एक पैराग्राफ को ही एक्सप्लेन कर जाते हैं। नहीं, जब भी आप लोग आंसर लिखें तो आंसर को लिखते समय आप संतुलित आंसर लिखने का प्रयास करें। संतुलित आंसर कब लिखेंगे, जब इन सभी बिंदुओं पर, ऐसा नहीं केवल पर्यावरण पे ही लिखे, औद्योगिक विकास में सिर्फ पर्यावरणीय समस्याएं हैं और उसी में आप लोग 500 वर्ड पूरा कर दिए, नहीं, आपको इस पर भी आपको 50 वर्ड लिखना है और इधर जो हमने टॉपिक्स बनाए इस पर भी 50 वर्ड लिखना है, इस पर भी 50 वर्ड लिखना है, किसी पर 30 वर्ड लिख दिए, किसी पर 20 वर्ड लिख दिए, किसी पर 50 वर्ड लिख दिए, लेकिन सभी बिंदुओं पर अगर आप लोग इस तरह से फोकस करेंगे और थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो आपके पास में जो आंसर होगा वो बहुत ज्यादा परिष्कृत आंसर होगा। और अगर आप लोग वर्ड लिमिटेशन है तो आप लोग इस तरह से सिनॉप्सिस बना सकते हैं और इस सिनॉप्सिस का उपयोग करके आप लोग कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपके मार्क्स हैं वो ज्यादा मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के मार्क्स क्यों ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो डायग्राम्स का उपयोग, सिनॉप्सिस का उपयोग, मैप का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, शब्दों को पैराग्राफ में कम लिखते हैं, वो पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, वो यहाँ पर इस तरह से डायग्राम फ्लो चार्ट के माध्यम से कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्लेन कर जाते हैं। और हम क्या करते हैं, भूमिका बना करके स्टार्ट करते हैं और निष्कर्ष पे जाकर के समाप्त करते हैं इस तरह से कि पता ही नहीं चलता है कि रामायण शुरू हो रही थी और महाभारत पर अंत करते हैं जाकर के, तो मार्क्स कहाँ से आएगा। हिंदी मीडियम के जो रिजल्ट गिरता जा रहा है उसका एक मुख्य पिछड़ापन ये भी आपको देखने को मिलेगा। औद्योगिक पिछड़ापन तो है, अपने आप को भी देखना पड़ेगा कि हिंदी मीडियम का जो पिछड़ापन है वो क्यों है, उसके जो समस्याएं हैं उन पर भी एक बार विचार करना होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में औद्योगिक विकास में संभावनाएं क्या है। बाधाएं तो देख ली, एक बार संभावनाएं भी तो देख ले। चलिए हम लोग भारत में औद्योगिक विकास में, भारत के औद्योगिक विकास में या भारत में औद्योगिक विकास की संभावनाएं ओके। अगर हम संभावनाओं की बात करें तो देखिए संभावनाओं की अगर बात करें तो इसे भी हम फ्लो चार्ट में आप लोगों को लिखा देते हैं। जैसे भारत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा कृषि आधारित, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, आज भी आपको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने कारण भारत की जनसंख्या आधे से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों में संलग्न है, आधे से अधिक आज भी जनसंख्या वो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है हमारे पास में। अगर हम कृषि उत्पादों का उपयोग करते हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अगर हम विकास करें तो हम बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया में हम आटा की जगह हम ब्रेड का एक्सपोर्ट करेंगे, हम आटे की जगह हम डबल रोटी का एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ना केवल हम इनकम जनरेट कर सकते हैं बल्कि जब हम गेहूं की जगह हम आटा बेचेंगे, गेहूं की जगह हम ब्रेड बेचेंगे, तो अपने यहाँ हम उद्योग का विकास करके हम रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न कर सकते हैं, तो जो रोजगार जो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या उसका भी समाधान होगा। अगर बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा तो हमारे देश में आर्थिक सामाजिक विकास भी कहीं ना कहीं होगा। तो देखिए हमारे यहाँ पोटेंशियल की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देते हुए
देते हुए खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण को विशेष महत्व देना होगा, विशेष महत्व देना होगा। ओके, तो देखिए इतना ज्यादा पोटेंशियल है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। टमाटर को हम क्यों बेचें जब टमाटर सॉस बना करके बेच सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर सिर्फ मक्का को क्यों बेचे जब हम पॉपकॉर्न बना करके उसको बेच सकते हैं। एक एक जो मक्का है वो 2 से 3 रुपए का सिर्फ है वो बिकता है, 2 से 3 रुपए का सिर्फ बिकता है, और किसानों के पास से वो सिर्फ 50 पैसे का जाता है। और उसी मक्के को हम निकाल करके हम उससे जब पॉपकॉर्न बनाते हैं और फिर आप पीवीआर में जाकर के उसको खरीदते हैं, 350 रुपए का वो मिलता है, और उसकी जो कॉस्ट होती है सिर्फ 3 रुपए के करीब में आती है, और उसको परिष्करण करने में, उसको बनाने में मैक्सिमम जो कॉस्ट आती है वो 25 रुपए ऐड होती है। यानी कि हम उस चीज को 25 रुपए लगा करके हम 2 रुपए की जगह हम कितने रुपए कमा सकते हैं, 2 रुपए की जगह हम लोग 300, 350 रुपए अतिरिक्त रुपए कमा सकते हैं। तो सोचिए क्यों ना हम किसानों को इस तरह से तकनीकी स्तर पर हम उन्हें प्रशिक्षित करें, तकनीकी उनको उपलब्ध कराएं कि अब वो भी मक्का को उसी तरह से बना करके पॉपकॉर्न बना करके बेचे, मक्के को नहीं बेचे, आलू की जगह आलू चिप्स बना करके बेचे। एक आलू है वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो 3-4 पैसे से भी कम आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसी आलू को जब आप प्रोसेस करते हैं और प्रोसीजन में अगर हम मानते हैं 50 पैसे का भी कॉस्ट आ जाता है तो वो उसकी कीमत हो जाती है वो 25 रुपए हो जाती है। तो जो 25 रुपए है वो किसान के पास आएगा, यानी कि कम भूमि में भी हम कम भूमि में भी क्या कर सकते हैं, किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। ना केवल हमें इस चीज पर फोकस ही नहीं करना है कि किसानों के पास 1 बीघा भूमि है तो हम कैसे इसको 1 बीघा को 2 बीघा बनाएं, हम कैसे उसका उत्पादन है वो 1 क्विंटल हो रहा है तो उसकी सीमा है मैक्सिमम, हम उसे 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल पे ले जा सकते हैं, लेकिन 2 क्विंटल के बाद हम उसकी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो 2 क्विंटल पर हम उसकी जो इनकम है वो ज्यादा नहीं कर सकते उत्पादन बढ़ा करके। लेकिन उसी उत्पादन को हम अगर हम प्रसंस्करण करके हम उसे किसी उत्पाद में कन्वर्ट कर दें तो उसकी इनकम है वो हम 50 एकड़ वाले के बराबर भी कर सकते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, आप एक किसान है जिसके पास 1 बीघा भूमि है वो कोई भी कंपनी नहीं लगा सकता, तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सहकारी संघवाद निकल के आता है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक किसान है जिसके पास 1 बीघा भूमि है वो ऐसा नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना होगा, हमें कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी होगी। कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंतर्गत लागत भी कम होती है और साथ में अब एक की जगह 50 किसान मिलकर के एक कंपनी की स्थापना कर सकते हैं तो वो उत्पादन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, लागत भी कम होगा, किसानों की लाभ है वो भी बढ़ेगी और हमारे देश को भी विकास होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट निकल के आया सहकारी कृषि। ओके, कोऑपरेटिव फार्मिंग है इसी का कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो अगर हमें अपने भारत में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ाना होगा। देखिए आपको देखने को मिलेगा गुजरात में बहुत अच्छा इसका उदाहरण देखने को मिलेगा। अमूल के नाम को आप लोग जानते होंगे, अमूल कोई एक कंपनी नहीं है, अमूल एक आपको सहकारी समिति देखने को मिलेगी, एक तरह से आपको देखने को मिलेगी कोऑपरेटिव्स का ही एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। वहां पर बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत छोटे स्तर पर स्टार्ट किया गया था, बहुत सारी महिलाएं थी, उन्होंने सभी महिलाओं के पास में सभी घरों में 1-2 जानवर हुआ करते थे। अब ये सोचो 1-2 जानवर हुआ करते थे, अगर वो दूध को निकालते नॉर्मली जाकर के बेच के आते उसमें समय भी ज्यादा लगता था, उसको निकालना फिर उसको जाकर के घर घर जाकर के बांटना एक बहुत महंगा पड़ जाता था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और एक कंपनी स्थापना करने के लिए हमें बहुत सारी भैंसों की आवश्यकता। बोली बोले सब भैंस तो लाना खरीदना बहुत महंगा पड़ेगा। बोले चलो तुम सबके पास तो भैंस ही है ना, चलो तुम्हारे पास जो अतिरिक्त दूध होता है 2 किलो 3 किलो अतिरिक्त दूध होता है वो हमको दे दो। तो वहां पर महिलाओं ने अच्छे से अपनी भैंसों को खिलाना प्रारंभ किया, उनके पास अतिरिक्त जो भी दूध होता था अपने आप भी मौज से खाती थी, अतिरिक्त दूध होता था वो अतिरिक्त दूध अपनी भैंसों का निकाल करके, गायों का निकाल करके एक कंपनी को दे देती थी जिसका नाम था अमूल। अब वो अमूल उसकी पैकेजिंग करता था, पैकेजिंग करके हल्के हल्के उसने वितरण करना प्रारंभ किया। आज पूरे भारत में अमूल कंपनी है वो छाई हुई आपको देखने को मिलेगी।
कहीं वो एक छोटे से क्षेत्र से प्रारंभ हुई, आज पूरे भारत में वो प्रारंभ होगी। अमूल कंपनियों की खुद की भैंसें नहीं देखने को मिलेंगी, वो दूसरों से ही अपना दूध खरीदता है और उसी दूध को अन्य जगह वितरित कर देता है। यानी कि उसने निवेश वहां पर कम किया, ओके, उसने कहां पर फोकस किया, उसने सहकारी संघवाद पर एक तरह से फोकस किया, सहकारी कंपनियों पर फोकस किया और सहकारी कंपनियों पर फोकस करके उसने अपना उत्थान कर लिया। तो किसान हमारे ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, किसान हमारे ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो जो तीन आपको देखने को मिलेगा, तीन कानून आए थे जिसका विरोध हुआ था, ओके, तीन कृषि कानून, तो उसमें सहकारी कृषि है उसकी बात की गई थी, कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की गई थी, क्यों की गई थी, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, केवल हम कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योग का विकास ना करें, बल्कि आज भारत में पर्यटन उद्योग एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। भारत में लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप देखने को मिलेगा आपको। पर्यटन पर आधारित उद्योग, पर्यटन पर आधारित उद्योग है, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल देखने को मिलेगा अगर हम इसकी ओर अग्रसर होते हैं, इसके संबंध में अगर हम आधारभूत संरचनाओं का विकास करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, तो हम पर्यटन में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। आज आपको देखने को मिलेगा पर्यटन है वो किस किस पर आधारित आपको पर्यटन उद्योग देखने को मिलेगा, तो आपको पर्यटन उद्योग भारत में सभी प्रकार का पर्यटन देखने को मिलेगा। भारत में ऐतिहासिक स्थल हैं तो आपको देखने को मिलेगा, हिस्टोरिकल टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, जैसे हिस्टोरिकल टूरिज्म में आपको देखने को मिलेगा लोग हैं वो अकबर के फोर्ट देखने आते हैं, लोग हैं वो ताजमहल देखने आते हैं, लोग हैं बुद्ध की जो आपको स्तूप देखने को मिलेंगे वो देखने आते हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं उन्हें देखने आते हैं, गुफाओं को देखने आते हैं, यानी कि जो हमारा इतिहास है उसे देखने आते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जो पोटेंशियल है वो आपको देखने को मिलेगा ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करके, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करके, संरक्षण कर हम क्या कर सकते हैं, पर्यटन के केंद्रों को चिन्हित कर सकते हैं और पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं और हमें विकसित करना भी चाहिए। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आज जो सांस्कृतिक टूरिज्म है ओके, जिसको बोलते हैं कल्चरल टूरिज्म बोलते हैं, लोग हैं वो अध्यात्म के लिए आ जाते हैं, लोग हैं वो आते हैं राजस्थानी संस्कृति है उसको देखने आते हैं, असमिया संस्कृति को देखने आते हैं, दक्षिणी भारत की संस्कृति को देखने आते हैं, वहां का पहन पहनावा देखते हैं, जाते हैं जम्मू कश्मीर तो देखते हैं वहां के लोगों की कैसी संस्कृति है, उसको प्रभावित होते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं। ओके, तो आपको, आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि हम बंगाल में जाएं और वहां का डांस है वो करें, हम गुजरात में जाएं फिर हम वहां पर घाघरा खेले, जाकर के घाघरा बोलते हैं क्या बोलते हैं कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं। ओके, तो इसी तरह से आप राजस्थान में जाएं तो वहां पर जाकर के आप वही पगड़ी और हुक्का वाला जाकर के एक बार फील ले जाकर के, तो सांस्कृतिक पर्यटन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो हम सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे करके, सांस्कृतिक पर्यटन को, पर्यटन पर आधारित उद्योग को बढ़ावा दे करके हम इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो हम आगे लिख रहे हैं। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, पर्यटन की ही अभी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा खेल पर आधारित पर्यटन है, हम उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। खेल पर आधारित उद्योग को हम बढ़ावा दे सकते हैं। ओके, ये भी पर्यटन पर आधारित आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पारिस्थितिकी। ओके, पारिस्थितिकी आपको देखने को मिलेगा, पारिस्थितिकी जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल टूरिज्म आपको देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी पर्यटन पर आधारित उद्योग, जैसे आपको देखने को मिलेगा कि टाइगर सफारी बहुत ज्यादा फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं,
हमारे यहाँ टाइगर सफारी को देखने के लिए, मैंग्रोव वन को देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा हमारे जो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है उसको देखने के लिए आते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े झरने हैं, सुंदर सुंदर झीले हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। माउंट माउंट एवरेस्ट है वो तो नेपाल में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिली एरिया आपको देखने को मिलेंगे जहां पर लोग हैं आज जाकर के आनंद लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार के टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पारंपरिक आपको देखने को मिलेगा, पारंपरिक शिक्षा पर आधारित उद्योग, पारंपरिक शिक्षा पर आधारित, शिक्षा पर आधारित उद्योग। जैसे आज लोग हैं वो पुरानी पुरानी भाषाओं को सीखने के लिए, पुरानी शिक्षा को सीखने के लिए, गुरुकुल शिक्षा है उसको बहुत बड़ा पद दिया जा रहा है। ओके, अब लोग हैं बड़े बड़े स्कूलों में ना पढ़ के जो लोग हैं वो चाहते हैं हम जैसे पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था उस तरह से पढ़ाया जाए, वेद हैं उनका उनका अध्ययन कराया जाए, धर्म ग्रंथों का है उनका अध्ययन भी कराया जाए, उनके बारे में भी लोग जाने, साइंटिफिक चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो हमारी पुरानी भाषाएं हैं जैसे संस्कृत भाषा है हमारी, उसके बारे में लोग आकर के अध्ययन करना चाहते हैं। तो पारंपरिक शिक्षा है उसको भी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस पर उसके लिए हमें उस प्रकार की आधारभूत संरचना का निर्माण करना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार का टूरिज्म हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो टूरिज्म उद्योग में किस किस प्रकार के टूरिज्म उद्योग को हम बढ़ावा दे सकते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें औद्योगिक विकास में, तो देखिए औद्योगिक विकास में तकनीकी पर आधारित यानी कि तकनीकों पर आधारित उद्योग का हम विकास करते हैं कर सकते हैं। जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, हमारे पास आज स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आपको काफी आगे देखने को मिलेगा, तो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसको हमें काफी बढ़ावा देना चाहिए और इसको स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे करके हम औद्योगिक विकास कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ा दिए कि हम दूसरे देशों के हम सैकड़ों सैकड़ों सैटेलाइट है वो लॉन्च करते हैं। आज ना केवल हमसे छोटे मोटे देश हैं वो अपने रॉकेट लॉन्च करवाते हैं, बल्कि फ्रांस जैसे देश, रशिया जैसे देश, यूएसए जैसे देश भी आपको देखने को मिलेंगे अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हैं। हम इस तकनीकी का विकास करके अपने पड़ोसी देशों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि हम आपको अपने पा आपके पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, नेपाल से कहेंगे, श्रीलंका से कहेंगे, मालदीव से कहेंगे, बांग्लादेश से कहेंगे, हम आपको आपका सैटेलाइट देंगे, हम सैटेलाइट बनाएंगे और उसी को लॉन्च करेंगे, सर्विस उनको देंगे, पैसे उनसे लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे करके हम उद्योग का विकास कर सकते हैं। हमें पारंपरिक उद्योग की जगह हमें और सारे डायमेंशन पर भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा हम डिफेंस में, जो डिफेंस है उसमें विकास करके, डिफेंस टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित उद्योग का विकास कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा आजकल भारत में स्वदेशी तकनीकी पर आधारित जो वेपन्स हैं उनका हम काफी विकास कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी गन्स हैं उनका भारत में विकास किया जा रहा है, टैंक्स हैं उनका विकास किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर हैं उनका विकास किया जा रहा है, उन हेलीकॉप्टर को हम पड़ोसी देशों को बेच भी रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं उन 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 सामानों के लिए। तो इससे भारत में औद्योगिक विकास ही तो हो रहा है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम विकास कर सकते हैं औद्योगिक विकास। इसके अलावा आईटी सेक्टर को भी हम बढ़ा करके औद्योगिक विकास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए ये चीजें हैं, संभावनाओं के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। इसके अलावा देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भारत में, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, भारत में उद्योग ये मैपिंग वर्क है, ये आपको HRW में दिया जा रहा है, कुछ स्कूल टाइम का आप लोगों को याद आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा वर्क दिया जाएगा आज, ये आपको करना है। नंबर एक आपको मैप वन बनाना है, मैप वन में आप लोगों को बनाना है लौह अयस्क, लौह अयस्क। ओके, लौह अयस्क के जो भंडार हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में आप लोगों को मैप कर लोकेट करना है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कोयले के भंडार हैं, कोयला का भंडार है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये मैप नंबर टू पर आपको लोकेट करना है। और मैप नंबर थ्री पर, इसी तरह से मैप नंबर थ्री पर लोकेट करना है लौह इस्पात उद्योग, मतलब जो इस्पात उद्योग हैं
वो कहाँ कहाँ पर भारत में स्थापित किए गए हैं, उनकी लोकेशन देखना है और फिर एक मैप बनाना है इन तीनों को मिला करके। देखिए पहले तीनों का अलग अलग मैप आपको देखना है, फिर आपको देखना है इनका एक मैप भी बनाना है, ये भी चीज आप लोगों के लिए देखनी है। ओके, इसके अलावा देखिए लौह इस्पात उद्योग है, जब आप इसको देख रहे होंगे तो आप लोग इसको दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, तो आप इसको दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। जैसे नंबर वन जो लौह इस्पात उद्योग है उसकी स्थापना की गई होगी वो कच्चे माल के स्रोत पर की गई होगी या फिर कच्चे माल से दूर की गई होगी, कच्चे माल के जो स्रोत है उनसे दूर की गई होगी। तो देखिए एक तो हो सकता है कच्चे माल के स्रोत के समीप ओके, या फिर स्रोत से दूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें कच्चे माल के स्रोत के समीप, तो कच्चे माल में लौह इस्पात उद्योग होता है उसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसमें लोहे की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा लोहा एक्स की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा कोयले की जरूरत पड़ती है। तो देखिए जो इस्पात उद्योग की स्थापना की गई होगी या तो वहां पर लौह इस्पात, लौह एक्स और कोयला दोनों पाए जाते होंगे, तो वहां पर स्थापित किया गया होगा, मतलब लौह प्लस कोयला दोनों पाया जाता होगा तो उस स्रोत के समीप कुछ लौह इस्पात उद्योग देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लौह इस्पात उद्योग देखने को मिलेंगे जिनकी स्थापना लौह अयक्स के समीप की गई होगी, यानी कि लौह अयक्स जहां पर पाया जाता होगा वहां पर स्थापित किया गया होगा, कोयले का परिवहन के माध्यम से लाया जाता होगा। ओके, इसी तरह से हो सकता है कोई इस प्रकार का भी उद्योग आपको देखने को मिलेगा जिसकी स्थापना कोयले के भंडार के समीप की गई होगी और लौह अयक्स है उसका परिवहन के माध्यम से केंद्र तक लाया जाता होगा। ओके, और अगर हम स्रोत से दूर की बात करें तो आपको दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पर ध्यान रखा जाता है या तो ध्यान रखा जाएगा बंदरगाह होगा। ओके, यानी कि जहां पर कच्चे माल है, कच्चे माल से दूर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है, तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा वो बंदरगाह के समीप किया जा सकता है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा विकासपट्टनम में, मुंबई में एक कहा बंदरगाह पर उद्योग की स्थापना की गई। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बाजार, ओके, बाजार के बिंदु पर भी उद्योग की स्थापना की गई होगी, यानी कि मार्केट को देखते हुए उद्योग की स्थापना की गई होगी या फिर बंदरगाह पर स्थापित किया गया होगा, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपको देखना है कि आपको मैप नंबर फोर में बनाना है कि जो एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, मतलब एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और इस पर एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र कहाँ कहाँ पर भारत में पाए जाते हैं, उनका आपको मैप बनाना है। इसी तरह से आपको देखना है पांचवा कॉपर अयक्स के बारे में देखना है कि कॉपर कहाँ कहाँ पर भंडारण पाया जाता है और कॉपर पर आधारित यानी कि कॉपर प्रगलन केंद्र है वो भारत में कहाँ कहाँ पर है, इसको मैप पर आपको लोकेट करना है। इसी तरह से आपको छठा देखना है जिंक के, जो जिंक है उसके भंडार कहाँ कहाँ पर भारत में पाए जाते हैं और जिंक प्रगलन केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ पर भारत में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम आगे जा रहे हैं, तो सातवें नंबर पर आपको लोकेट करना है भारी मशीनरी उद्योग कहाँ कहाँ पर देखने, उद्योग हैं वो आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये आपको एक मैप आप लोगों को बनाना है। ओके, ये चीज आप लोगों के लिए देखने को मिलेगी। देखिए आज की क्लास है वो यहाँ पर ही ओवर की जा रही है, एक्चुअली अभी हमारे थोड़ा पेट में फिर से दर्द उठने लगा है तो अभी हमको जाना पड़ेगा। ओके, तो एक क्लास वैसे अभी आगे पढ़ाई जाती है, वैसे तो 9 बजे तक आप लोगों की क्लास चलने वाली थी लेकिन आज की क्लास है वो यहाँ पर ही फिनिश की जाएगी। ओके, तो अगर आप लोगों के डाउट है तो पूछ लीजिए, अन्यथा क्लास को अभी ऑफ किया जाता है, हमारे पेट में ऐसे गुड़ू गुड़ू होने लगा है थोड़ा सा। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वे लोग आकर के एडमिशन ले सकते हैं। कल आपका लास्ट लेक्चर होगा ज्योग्राफी का और कल आप लोगों का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है वो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री परसों से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम लोग परसों हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं क्योंकि अभी हमें जस्ट जाना होगा।